हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो मैं बात करने वाला हूँ करेंट अफेयर्स के, क्योंकि जो मेरी करेंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार, जो हमारे यूट्यूब चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, इस पर जो हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास चल रही है रोज़ सुबह 6 बजे, 6 बजे आप भी आकर हमारे साथ करेंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग सभी जानते हैं कि करेंट अफेयर्स की जो क्लास होती है वो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर अपलोड की जाती है। तो करेंट अफेयर्स को हम लोग क्यों इतना तवज्जो दे रहे हैं, क्यों इतना हम लोग करेंट अफेयर्स को वैल्यू दे रहे हैं? तो हम जानते हैं कि जो जीके जीके का जो पोर्शन होता है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए या पॉलिटिकल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए पेपर, तो उसमें देखेंगे कि उसका दायरा फिक्स होता है। लेकिन करेंट अफेयर्स जो होती है डेली करेंट अफेयर्स बनते रहती है। तो मैं जो करेंट अफेयर्स आपके सामने जो 6 बजे सुबह लाता हूँ, वो पूरी बढ़िया ढंग से डिजाइन की जाती है और इसका फुल डिटेल के साथ चलता है। तो आप लोग भी मिलकर हमारे साथ करेंट अफेयर्स का जो दौर चल रहा है उस दौर में शामिल हों, क्योंकि जो दौर में शामिल नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो करेंट अफेयर्स अगर जो आप लोग जीके में नंबर इनक्रीज़ करना चाहते हैं, SSC का हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, सभी के लिए करेंट अफेयर्स जो होती है सभी के साथ ये डिज़ाइन किया गया है। तो आप लोग हमारे साथ मिल करके करेंट अफेयर्स की क्लास में सहयोग करें। तो आते हैं, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेकर आपके बीच आया हूँ, तो मैं यह देख लीजिए क्या है मेरा पहला क्वेश्चन जो है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी रिटेल टर्म डिपॉजिट योजना अमृत कलश, क्या चीज़, अमृत कलश को फिर से शुरू किया है? तो अमृत कलश को फिर से कौन शुरू किया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या, कौन स्टार्ट किया है? SBI फिर से दोबारा स्टार्ट किया है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग जानेंगे कि अमृत कलश क्या है, क्या चीज़, अमृत कलश क्या है, अमृत कलश क्या है? तो एक बात जान लीजिए, अगर जो अमृत कलश के बारे में जानेंगे तो अमृत कलश क्या है, यानी कि अगर जो आप स्टेट बैंक के खाता अधिकारी हैं, यानी कि स्टेट बैंक में आप लोग खाता खुला लिए हैं, क्या चीज़, अगर जो आपका अकाउंट जो है स्टेट बैंक में है, तो आप स्टेट बैंक में है तो ये जो अमृत कलश जो योजना है इसके तहत अगर जो आप 400 दिन तक अपना पैसा उस बैंक में छोड़ देते हैं, कितना दिनों तक, 400 दिनों तक, तो आपको जो बैंक है ब्याज जोड़ करके, ब्याज जोड़ करके 7.1%, 7.1% आपको जो है ये क्या चीज़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगी। अगर जो आप सीनियर सिटीजन हैं, क्या चीज़, सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, अगर जो आप सीनियर सिटीजन हैं तो वही पैसा अगर जो आप 400 दिन के लिए देते हैं, 400 दिन के लिए उसमें छोड़ देते हैं, तो आपको ब्याज जो है ब्याज जोड़ करके आपको 7.60% दिया जाएगा। कितना, 7.60 जो है 60% वो ब्याज दिया जाएगा। इसी को हम लोग अमृत कलश कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं, अमृत कलश कहते हैं। और यह जो अमृत कलश है पहली बार कब आया था, तो ये अमृत कलश जो है ये दोबारा आया है, देखिए इसमें लिख दिया गया स्पष्ट तौर पर, फिर से शुरू कब किया गया, तो फिर से, यानी ये अमृत कलश जो है पहला बार कब आया था, तो पहला बार आया था यह 12 फरवरी को, कब आया था, 12 फरवरी को, और यह 30 मार्च तक चला था, कितने मार्च तक चला था, 30 मार्च तक। और फिर यह दोबारा जब आया है, दोबारा यह फिर से आ गया है, तो दोबारा आया, तो यह 12 अप्रैल तक आया है, 12 अप्रैल को आया है, और यह 30 जून तक चलेगी, कई जून तक चलेगी, यह 30 जून तक चलेगी। तो इसी को हम लोग अमृत कलश के नाम से जानते हैं। अमृत कलश समझ गए कि अगर जो उसमें अमृत, यानी कि अमृत का मतलब कोई 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 ना कोई प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट होगा कैसे, तो अगर जो आप अमृत कलश के दिन, अमृत कलश की इसको एक दौर है जो फर्स्ट दौर हमारी आई थी 12 फरवरी से लेकर के 30 मार्च तक, और दूसरी जो दौर आई है 12 अप्रैल से
30 जून तक चलेगी, कितना 12 अप्रैल से 30 जून तक चलेगी। इसमें इसके दौर में अगर जो आप बैंक एसबीआई के खाता एसबीआई में आप अगर जो आपका अकाउंट है तो इसमें अगर जो आप पैसा रखे हैं तो ये पैसा आपको अगर जो आप पैसा रखे हैं अगर जो जनरली हैं आप तो 7.1% आपको ब्याज दिया जाएगा 400 दिन तक रखे हैं उसमें। तब अगर जो आप सीनियर सिटीजन हैं तो यही ब्याज को बढ़ा दिया गया है और यह ब्याज जो है 7.60% मिलेगी आपको। अगर जो अब एसबीआई के आ ही गए हैं तो एसबीआई की कुछ जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं। क्या चीज एसबीआई, एसबीआई को जो स्थापना है, स्थापना कब हुई है एसबीआई की यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो एक जुलाई 1955 ईस्वी की, 1955 ईस्वी को 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो एसबीआई का मुख्यालय मुंबई कहाँ है, एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। क्या चीज़, तो यही जो है अमृत कलश का दौर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या चीज, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बन गया है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि चीन के साथ भारत का व्यापार जो है सबसे ज़्यादा चलता था, तो लेकिन चीन के हम लोग जानते हैं कि चीनी सामान को हम लोग बहिष्कार भी धीरे धीरे कर रहे हैं, चीनी का जो लत यानी कि चीनी वस्तु को जो लत लग गई है उसको धीरे धीरे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री पीएम मोदी जी हैं उनको धीरे धीरे बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोग को जो लत लग गई थी उस लत को छुड़ा रहे हैं। तो अब सबसे ज़्यादा जो हम लोग सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं तो किस देश के साथ हम लोग हमारी जो व्यापार चल रही है, तो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल में अमेरिका के साथ चल रही है। किसके साथ, अमेरिका के साथ, यानी 2022 और 23 की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें अमेरिका के साथ हमने व्यापार किया है 128.55 अरब डॉलर का, कितना 128.55 अरब डॉलर का इसके साथ हम लोग व्यापार किए हैं, जिसमें बढ़ोतरी कितना की हुई है 7.5% की बढ़ोतरी हुई है, 7.5% की बढ़ोतरी हो गई है, कितना 7.5% की जो हो बढ़ोतरी हो गई है। और अगर जो हम बात कर लेते हैं 7.65 की बढ़ोतरी हो गई है। और अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो एक नंबर पर जो है हम व्यापार करते हैं वो चीन के साथ हम सॉरी एक जैसे एक नंबर पर अभी जो हमारी व्यापार में 2022-23 की भागीदारी है वो अमेरिका के साथ कर रहे हैं और सेकेंड नंबर पर कौन है, सेकेंड नंबर पर जो आ रहा है चीन आ रही है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम डिपेंडेंट थे चीन पर व्यापारिक भागीदारी पर डिपेंडेंट थे, लेकिन धीरे धीरे इससे इसको कम कर दिया गया और चीन को जो अभी हानि हुई है यानी चीन को हम लोग जो बढ़ोतरी चीन को जो हम लोग घटाए हैं इसकी भागीदारी, तो कितना भागीदारी घटा दी है, तो 1.5% की जो है भागीदारी घटा दी है हम लोग चीन के साथ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्या है कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हाल ही में बीते वर्ष यानी वित्त वर्ष में जो हमारे 2022 और 23 में जो बीते वर्ष चल रही है उसमें क्या कहा गया है कि उसमें आपकी जो व्यापारिक भागीदारी है उसमें सबसे अधिक किस देश के साथ कर रहे हैं, तो किस देश के साथ कर रहे हैं, अमेरिका को, और सेकेंड नंबर पर जो है चीन के साथ हम लोग व्यापार कर रहे हैं, सेकेंड नंबर पर चीन के साथ अमेरिका के साथ जो कर रहे हैं एक किए हैं 2022-23 में व्यापार 128.55 अरब डॉलर का किए हैं, जो बढ़ोतरी यानी कि पहले जो अमेरिका के साथ कर रहे थे उसमें ज़्यादा व्यापार किए हैं और 7.65% की बढ़ोतरी हो गई है हमारी व्यापार में, और जो चीन के साथ जो हम लोग कर रहे थे उसमें चीन के वस्तुओं में हम लोग जो कम कर दिए हैं तो चीन को में कितना कम किए हैं, तो 1.5% जो है इसमें हम लोग कम कर दिए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में अमेरिका मोटो जीपी स्प्रिंट का ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो किसने जीता, सबसे हम लोग पहले जान लेंगे कि ये मोटो जीपी है क्या चीज़, तो ये मोटो जीपी कुछ नहीं है, ये मोटरसाइकिल रेस है, क्या चीज़,
मोटरसाइकिल रेसेस, मोटरसाइकिल रेस है। तो यही मोटरसाइकिल रेस में जो यही मोटरसाइकिल रेस में है वो कौन जीते हैं, तो फंसिको वागानिया जो है मोटरसाइकिल रेस में इन्होंने जीते हैं। और ये कहाँ का है अमेरिका का है। और अमेरिका क्या है, इसकी जो मतलब बता देते हैं कि इसकी शुरुआत यानी मोटो जीपी जो स्प्रिंट ग्रैंड प्रिक्स है इसकी शुरुआत कब की गई थी, शुरुआत कब की गई है। तो शुरुआत की गई है 2012 ईस्वी में इसकी शुरुआत जो है की गई है। कब की गई है इसकी शुरुआत, 2012 ईस्वी में नहीं, पहली बार जो शुरुआत की गई है 2013 ईस्वी में की गई है। तो कौन जीते हैं, फंसिको वागानिया जो है, वागानिया जो ऐसे जान लीजिए कि मोटरसाइकिल हम लोग जब नया नया ड्राइव करते हैं तो कहाँ, बागान में ड्राइव करते हैं ताकि किसी को एक्सीडेंट ना हो। तो मोटो जीपी क्या चीज़ है, एक मोटरसाइकिल रेस है जिसमें अमेरिका के हैं फंसिको वागानिया। और ये सबसे खास बात है कि ये अमेरिका में ही होता है, कहाँ, अमेरिका में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे हाल ही में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर को किस देश ने चालू किया है। तो यूरोप का जो सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है वो किस देश ने चालू किया है, तो फिनलैंड चालू किया है। कौन देश चालू किया है, फिनलैंड। यानी यूरोप महादेश में ही कौन पड़ता है फिनलैंड जो है यूरोप महादेश में ही पड़ता है। तो आप बता दीजिए, फिनलैंड के बारे में हम कुछ बताए थे आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि फिनलैंड जो है नाटो का सदस्य बना है और नाटो का कैमा देश है जो इसका सदस्य बना है। तो कैमा देश एक कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, क्या जी नाटो का जो है सदस्य बना है, नाटो का सदस्य कौन बना है, फिनलैंड। वो कैमा नंबर का देश है फिनलैंड जो नाटो का सदस्य बना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यूरोप में तो ये जो परमाणु रिएक्टर फिनलैंड में खोला गया है। और क्या चीज़ परमाणु रिएक्टर है, इसका नाम क्या चीज़ है परमाणु रिएक्टर को बता दीजिए आप लोग। ओलियो लियोटो थ्री जो है इसका परमाणु रिएक्टर का नाम है। ये कितना बिजली उत्पादन इसमें करने की क्षमता है, तो 16 मेगावाट यानी मेगावाट है इसको बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, कितना, 1600 मेगावाट, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर होने वाला है। तो नाटो जो है 31वां सदस्य बना है, अमेरिका का कितना, 31वां सदस्य बना है। अगर जो हम बात कर लेते हैं फिनलैंड के बारे में जान रहे हैं, तो फिनलैंड है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर कौन है फिनलैंड है। अगर जो हम लोग भारत की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हाल फिलहाल में ही जो जारी किया गया उसमें भारत का नंबर कितना है, तो 126वां नंबर पर भारत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां नंबर पर कौन है, भारत, जो हमारा देश इंडिया है 126वां नंबर पर है। कितना नंबर पर है, 126वां नंबर पर है। और अगर जो हम बात कर लेते हैं तो ये परमाणु रिएक्टर जो है ओलियो लियोटो थ्री जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है
इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये बनने के लिए तैयार हुआ है 2005 ईस्वी से, और 2005 ईस्वी से बना है, और 2023 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया है। और यह इसकी जो बिजली उत्पादन करने की क्षमता है 1600 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। यह यूरोप देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। क्या चीज़? यूरोप देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है। अब बात कर लेते हैं भारत की, क्या चीज़ भारत की अब बात कर लेते हैं। तो भारत में क्या चीज़ है और होने वाला है, भारत जो है 2031 तक कितना परमाणु रिएक्टर की स्थापना करेगी, परमाणु रिएक्टर कितने परमाणु रिएक्टर स्थापना करने की घोषणा की है, तो 20 परमाणु रिएक्टर की घोषणा करने की बात की। तो ये भी ध्यान से याद कर लीजिएगा कि भारत जो है 2031 तक कितने परमाणु रिएक्टर की स्थापना करने की बात की है, तो कितना, 20 परमाणु रिएक्टर की स्थापना करने की बात की है, कौन, भारत। नेक्स्ट चले थे, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो भूषण पुरस्कार के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि भूषण पुरस्कार है क्या चीज। भूषण पुरस्कार, मच्छर जो है ना बहुत तंग करता है। क्या जी, भूषण पुरस्कार हम लोग बात कर लेते हैं। भूषण पुरस्कार जो है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या जी, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यह पुरस्कार किसने दिए हैं, यह पुरस्कार जो 2022 में दिया गया है किसे दिया गया है, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को यह पुरस्कार दिया गया है। क्यों इनको यह पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि यह समाज सेवी हैं, समाज के लिए बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए हैं, इसी कारण से डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को क्या चीज, महाराष्ट्र के भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोग बता दीजिए कि आप अपने इतने बड़े जीवन में, जितना आपका एज हो गया है उतने बड़े जीवन में आप लोग कितना पेड़ लगाए हैं, तो ये लगभग 28 लाख 2015 से लेकर के 2021 ईस्वी तक इन्होंने 28 लाख पेड़ को लगाए हैं। तो आप लोग भी पेड़ को, समाज में पेड़ को लगा करके नेक कार्य कीजिए, और इन्हीं के लिए इनको डॉक्टर अप्पा साहब जो धर्माधिकारी हैं उनको 2017 ईस्वी में भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन फिलहाल जो है 2022 ईस्वी में डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी को भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको क्या चीज, भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं भूषण पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब से हुई है, भूषण पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो 1996 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई है। कब से की गई, 1996 ईस्वी से। इसमें क्या दिया जाता है, तो 25 लाख रुपया दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या चीज़, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या जी, 25 लाख रुपया, स्मृति चिन्ह और एक प्रमाण पत्र। ये भूषण पुरस्कार जो है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसकी शुरुआत जो है 1996 ईस्वी में। यह किस कार्य के लिए इनको दिया गया है, देख लीजिए किस कार्य के लिए दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है, तो सामाजिक कार्यों के लिए। किस कार्य के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें दिया गया है, और सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है इन्हें। और बात कर लेते हैं, और 2017 ईस्वी में, कब, 2017 ईस्वी में इन्हें भारत का जो चौथा पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, क्या चीज़, पद्म पुरस्कार
भारत को जो चौथा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म श्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और पद्म श्री पुरस्कार अगर जो आप समाज के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य करते हैं, कोई बढ़िया कार्य करते हैं, इसीलिए आपको पद्म श्री का पुरस्कार दिया जाता है, यानी सामाजिक कार्यों के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता है। तो ये 2017 ईस्वी में डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी को बहुत सारे अपने जीवन में पेड़ पौधे लगाए हैं और सामाजिक कार्य किए हैं, इसीलिए इनको जो है 2017 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। एक नाथ शिंदे के बारे में जान लीजिए, ये कौन है? तो हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत ने किस देश में इनियोचॉस 23 जो है युद्धाभ्यास है, युद्धावास के लिए फाइटर जेट भेजे हैं? क्या चीज़ भेजे हैं? फाइटर जेट। तो किस देश में भेजे हैं बता दीजिए। इन ओचोस 23 जो युद्धाभ्यास चल रही है वो कौन भेजे हैं, कहाँ भेजे हैं भारत जो है अपना फाइटर जेट? ग्रीस में भेजे हैं। कहाँ? ग्रीस में अपना फाइटर जेट भेजे हैं। तो यह जो इनियोचोस जो है युद्धाभ्यास, इनियोचोस जो 23 युद्धाभ्यास है, एक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? एक यह मल्टी युद्धाभ्यास है। मल्टी युद्धाभ्यास का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। क्या चीज़? बहुत सारे देश भाग लेते हैं। भाग कौन कौन लिए हैं? तो भारत लिए हैं, ग्रीस भाग लिया है, अमेरिका भाग लिया है, सऊदी अरब भाग लिया है। इसी प्रकार से कई देश जो हैं वो भाग लिए हैं। और भारत की तरफ से अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो भारत की तरफ से कौन भाग लिया है? तो भारत की तरफ से जो भाग लिया गया है वो कौन? सुखोई 20 एम के आई जो है यह भारत के तरफ से भाग लिया है। कौन भाग लिया है? सुखोई। ये क्या चीज़ हो गया? मच्छर जो है ना झूठ के हम लोग को परेशान करते रहता है। मच्छर इतना राड़ हो गया है ना, इतना बदमाश कि इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या चीज़ है? सॉरी 30 एम के आई भाग। और ये युद्धाभ्यास जो चलने वाली कब से कब तक है? तो 18 अप्रैल से लेकर के 8 मई तक चलेगी। कई कब तक चलेगी? 8 मई तक चलेगी। और यह सबसे खास बात, यह आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह इसका आयोजन जो है भूमध्य सागर में किया जाएगा। कहाँ? भूमध्य सागर में इसका आयोजन जो है किया जाएगा। तो युद्धाभ्यास के लिए फाइटर जेट कहाँ भेजे हैं? ग्रीस में भेजे हैं भारत। और इसका जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? भूमध्य सागर में। यह 8 अप्रैल से लेकर के 8 मई तक चलने वाली है। क्या चीज़? 8 अप्रैल से लेकर के 8 मई तक चलने वाली है। कौन कौन देश भाग लिए हैं? तो यह एक मल्टी लेटर युद्धाभ्यास है। और इसमें बहुत सारे, मल्टी लेटर का मतलब होता है जैसे कि ढेर देशों मिल करके जो एक युद्धाभ्यास करता है उसको मल्टी लेटर युद्धाभ्यास करते हैं। तो यही कौन कौन देश भाग लिया है? भारत, ग्रीस, अमेरिका, सऊदी अरब, स्पेन और बहुत सारे देश हैं जो इसमें भाग लिए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। पूर्वोत्तर के किस राज्य में मई तेई चोरवा चंद्र नव वर्ष मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है।
तो ये जो देख रहे हैं मई तेई क्या चीज है, तो मई तेई चोरवा चिरोवा है, चिरोवा मई तेई चिरोवा जो है एक जनजाति, एक समुदाय है, एक जाति का समुदाय है, क्या चीज है, समुदाय है। इस समुदाय को बहुत नाम से पानवा के भी नाम से जानते हैं, और बहुत सारे नाम से जानते हैं इनको हम लोग। और कौन कौन नाम से जानते हैं बता दीजिए आप लोग भी। पानवा नोगमा, क्या चीज, नोगमा, नोगमा के नाम से भी जानते हैं। और सजाबू के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो है क्या चीज, मच्छर जो है ना बहुत तंग करता है। तो मई तेई चिरोवा जो है एक समुदाय है, और इसको ये एक समुदाय है, इसको मई तेई चिरोवा को कौन कौन नाम से जानते हैं, पानवा के नाम से जानते हैं, नोगोम्बा के नाम से जानते हैं, सौजाबू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यह मणिपुर का जनजाति है, मणिपुर का जनजाति का एक समुदाय है जो मई तेई चोरवा चंद्र नव वर्ष हुआ मनाया जाता है। अब देख लीजिए मणिपुर में कौन कौन सा त्यौहार, सिग्मा कहाँ का है, तो गोवा का है। वात्सल्य कहाँ का है, वात्सल्य जो महोत्सव है नई दिल्ली का है। तो क्या चीज़ है, भारत के प्रमुख महोत्सव एवं त्यौहार, भारत के कौन कौन से मुख्य महोत्सव है और त्यौहार है उसके बारे में। सिग्मो कहाँ का है, सिग्मो गोवा का है। वात्सल्य कहाँ का है, नई दिल्ली का है। खर्ची पूजा कहाँ का है, तो त्रिपुरा का है। बोनुला महोत्सव कहाँ का है, तेलंगाना का है। या ओशांग उत्सव जो है मणिपुर का है। संगोई उत्सव जो है ये भी मणिपुर का है। इससे पहले बताएं मई तेई चोरवा चंद्र नववर्ष जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी मणिपुर में ही मनाया जाता है। तो ये महोत्सव की जो क्लास होती है उसको बढ़िया से आप लोग याद करके रखिए, ताकि आपको आगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक एग्जाम में जो है महोत्सव से क्वेश्चन आ जाती है, तो क्वेश्चन आ जाती है तो इसको बढ़िया ढंग से हम लोग प्रैक्टिस कर रखेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम हो ये छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, अगर जो इसका आप लेना चाहते हैं तो ये उत्सव का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, कृषि प्रमुख वैज्ञानिक को जी ट्वेंटी की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो बता दीजिए G20 की बैठक जो वैज्ञानिकों की, जी कृषि वैज्ञानिक, क्या चीज, कृषि वैज्ञानिक की जी जो वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक की जो G20 की बैठक चल रही है, क्या चीज, G20 की जो बैठक चल रही है उस वो कहाँ चल रही है, तो भारत में चल रही है। कहाँ, भारत में चल रही है। और भारत के कहाँ चल रही है, तो भारत के वाराणसी में चल रही है। कहाँ, वाराणसी में चल रही है G20 का बैठक। और हम लोग बात कर लेते हैं, और G20 की वाराणसी में इसकी बैठक चल रही है, और इसमें जो है कि G20 का मतलब सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि G20 क्या चीज़ है। तो यह 20 देशों का एक सहयोगी संगठन है, बैठक है, जिसमें 20 देश यानी पूरी दुनिया में तो बात कर लेते हैं तो लगभग 195 देश है, और देश है तो 195 देश को हम लोग UNO में, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त संघ है, उनमें 195 देश भी शामिल है। तो उसी में से G20 जो देश है वह कृषि वैज्ञानिक उसमें भाग लेने वाले हैं। इसका उद्घाटनकर्ता कौन है, उद्घाटन वाराणसी में जो होने वाला है इसका उद्घाटनकर्ता कौन है, बीके सिंह, केंद्र मंत्री बीके सिंह। ओहो, कौन, बीके सिंह है जो है इसका उद्घाटन करता है। ये कब से कब होने वाला है, तो 17 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक, कि कब से लेकर 19 अप्रैल तक, यह 3 दिवसीय है। क्या चीज, 3 दिवसीय है, 3 दिवसीय है। इसमें क्या किया जाएगा, बीके सिंह जो है इनकी अध्यक्षता भी करेंगे, और यह केंद्र मंत्री बीके सिंह है जो है। और बता देते हैं इसमें क्या चीज़ है, बाजरा जो प्राचीन भारत के प्राचीन फसल है, बाजरा
और जो जौ ईस्वन यानी कि मोटे अनाज जिसको हम कह सकते हैं, तो मोटे अनाज पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा और कृषि को जो विकास करने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि में नए नए टेक्नोलॉजी की जो लानी है उसकी बात किया जाएगा और इतना जो विशाल जनसंख्या, पूरे देश की जो विशाल जनसंख्या वो कृषि पर ही डिपेंडेंट है, तो कृषि पर डिपेंडेंट है तो कृषि को किस प्रकार से बढ़ावा मिलनी चाहिए, किस प्रकार से उसको जो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक हो गई किस प्रकार से मिलनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक कृषि का जो पैदावार है वो उपज हो सके। तो इसका बैठक में यही बात कही जाएगी और बता देते हैं कि उसके बाद तो यह इसकी जो बैठक है कहाँ होने वाली है, तो भारत के वाराणसी में होने वाली है इसकी बैठक। कहाँ? भारत के वाराणसी में जो है इसकी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सबसे खास बात है कि इसमें विदेशी भी भाग लेने वाले हैं। विदेशी के कितने सदस्य भाग लेने वाले हैं? विदेशी कितने सदस्य भाग लेंगे? तो इसमें टोटल विदेश के 80 सदस्य भाग लेने वाले हैं। कितना सदस्य भाग लेने वाले हैं? 80 सदस्य जो हैं इसके भाग लेने वाले हैं इसमें। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं और देख लीजिए कुछ ऐसा चीज़ है जिनको नाम को परिवर्तित कर दिया गया है, यानी नाम बदल दिया गया है कुछ ऐसे जगह को, तो उस जगह को हम लोग, उस जगह को नाम बदल दिया गया है, तो कौन कौन से जगह जो है जिसका नाम बदल दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेना खेल संस्थान पुणे में है जिसका नाम क्या चीज़, नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है तो जानते हैं, भाला फेंक से। और एक बात बता दीजिए, भाला दिवस कब मनाया जाता है? भाला दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, भाला दिवस कब मनाया जाता है। तो सेना खेल संस्थान जो पुणे में है उसका नाम बदल के नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी यह 1924 ईस्वी में हुआ है, तो इसको क्या चीज़, नाम बदल करके काकोरी जो ट्रेन डकैती, उत्तर प्रदेश में योगी जो हैं इनका नाम काकोरी का ट्रेन डकैती कांड को हटा करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मंदुआदि रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है उसको बनारस जंक्शन बना दिया गया है। क्या चीज़? बनारस जंक्शन। ओहो, और देख लीजिए मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में है उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया गया है। उसके मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय बना दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चेनानी नसरी सुरंग को नाम बदल करके डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। क्या चीज? चेनानी नसरी सुरंग को नाम बदल करके डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। तो इसी प्रकार जो हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास चल रही है वो अपने रफ्तार में 6 बजे, सुबह 6 बजे आपको मिलेगा। आप हमारे से हमसे दर्शन कीजिए सुबह 6 बजे आकर के, ये तो हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास जो है सुबह 6 बजे चलती है। तो आप लोगों के साथ मैं यहीं पर अपना क्लास जो है स्टॉप करता हूँ और जो कुछ नए नए जो आने आते रहती है उसको मैं आप लोगों को बीच लाते रहता हूँ। जो सरकार द्वारा नई स्कीम आती है तो वो भी मैं लाते रहता हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो इसके साथ मैं आपसे कल मिलता हूँ। धन्यवाद।